हेलो 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 अली खान भाई। हेलो। हाँ हेलो। हाँ अली असगर देवबंदी। चिल्लाने हाँ अली खान बात कर रहा हूँ। चिल्लाने के लिए फोन किया है, कुछ सुनने के लिए? के नहीं, मैं पूछूंगा फिर सुनाना जितना सुनाना रहेगा। जिंदगी में कभी सुना है तू? जवाब लिया है मर्दों कज़ाब गालीबाज कहीं अभी का? पता चल जाएगा। हाँ अभी अभी पता चल जाएगा कौन सुनता है कौन सुनाता है। जिंदगी में कभी तो सुना है? जवाब लिया है? करो आप देखो ये यही भालू लगेगा। अली असगर साहब जिंदगी में कभी चलिए सुना मुझे है? मेरी बात हाँ पहले लगी से फिर। अली असगर साहब जी, आप हेलो। कौन है? आप कौन है? मैं सुनो सुनो ये अरे बोल आप रहे हैं कौन कि बोल रहे हैं? सुनते नहीं आपने है इसलिए फोन किसने लगाया? आपने फोन किसने लगाया? सुनिए बता देता हूँ। सुनो यार इधर उधर की फोन बात तो मत समझ रहा हूँ, करो। फोन किसने लगाया है? अरे मैं बता रहा हूँ ना। फोन किसने लगाया वो बोलो, कौन है ये हेलो। फोन? जी हाँ ये बीच में कोई है जो इनका फोन कहना लगाया वो है है कि कौन? नाम बताएं, मतलब उनका नाम बताएं, कौन है नाम बताएं, आप खुद नाम बोलें बता दो भाई नाम बता दो। हेलो मैं ईशान बोल रहा हूँ। ईशान बस ईशान आप रजा। सुनिए। ईशान रजा, आप पता नहीं अच्छा आप सुनिए यार। आप बताएं ना ईशान साहब, आप जिम्मेदारी लेते हैं कि अली खान जब सवाल करेगा मैं जवाब दूंगा, तो क्या उसमें हिम्मत है? क्योंकि जब भी फोन करता है सिर्फ सवाल करता है, जवाब देने की हिम्मत उसमें है ही नहीं। मैं जवाब कुछ भी सुनो दूं लेकिन उसको सुनना उसकी मुझसे जिम्मेदारी भी में नहीं क्या बोल रहा चलेगा हूँ? जो आप ये आप सोचे भी नहीं चलेगा। जो जवाब जिम्मेदारी दिया ले रहे जाएगा वही हैं, जवाब देंगे। आप जिम्मेदारी हाँ लेते हैं। मैं उसूल से बात करूँ, उसको बोलेंगे उसूल से बात करें, ठीक है? अरे पहले सुनिए मेरे भाई। हाँ हाँ हेलो बोले, हाँ बोले, अब बोले। जी। हाँ जैसे संजीदगी से बात करें तब अच्छा ज्यादा अच्छा रहेगा ना भाई। जी बिल्कुल अगर आप बिल्कुल, चिल्लाएंगे वो चिल्लाएंगे तो सही नहीं ये रहेगा। आदत किसकी आप देख लेना। ये खबीज जो है खाली चिल्लाता है, आज तक कभी सुना नहीं है, कभी अरे नहीं यार सुना मुझे है। बोलने तो 1 मिनट में मैं सिर्फ हाँ बोले बोले बोलने बोले तो मैं खामोश बोले हो बोले। जाऊंगा। चलिए अब अली खान साहब आप तक मुझे बोलने दीजिए मैं खामोश हो जाऊंगा। अली खान साहब आप बोलिए। हेलो। जैसे शरीयत का उसूल और जात का जो अल्लाह और उसके रसूल ने और जितने भी जो अलमा है आज के 1450 साल के अंदर जिसने भी बयान किया वो बयान करो और शरीयत का उसूल और जात का बयान करके बरेली का एक भी जो अमल है वो शरीयत के खिलाफ साबित करो। दूसरी बात जब आप झूठ बोलोगे तभी मैं चेक करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। चलो अब बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुमको शरीयत के ये जितना बोलना बोलो सारा अमल तुमको तुम्हारे धर्म से गलत साबित करना है ना, ये ना पहले उसूल बताना है। उसूल तुम्हारा मैं गलत साबित करूँ तुम उसूल तुम्हारे मौलवी से पूछ लेना, अरे यार उसूल ठीक तुम है? बताओगे ना। मैं तुम पूछ जो पहले रहा आप हूँ, जो फिर सुन बात रहा है, समझने की फिर कोशिश सुन रहा है, फिर सुन रहा है, फिर बक रहा आप है, देखो फिर बक रहा है, फिर बक रहा है। खामोश रहो, पहले उसूल देखो जीसान साहब, उसूल खामोश बात करो, करो ना। खामोश करो जीसान साहब। देखिए हेलो अली खान ने, हाँ जी बोलिए बोलिए जी, अली खान ने बोला है हमारा धर्म का उसूल जो हमारा धर्म में क्या गलत है वो साबित करो, ठीक है? तो जो गलत भाई पहले। हेलो हेलो हाँ पहले सुनिए। हाँ हाँ उन्होंने फरमाया है कि पहले सैयद का उसूल और जाप्ता बताइए, पहले शुरू से बात कर लीजिए भाई। हाँ देखो मैं अगर कहूंगा कि अली खान काफिर है तो ये काफिर क्यों हुआ ये उसूल आप अपने घर से पूछना, ठीक है? मेरी जिम्मेदारी में 1450 साल के अंदर जो उसूल आप सुनो। हाँ मेरी बात सुनो, मैं बोलोगे नहीं बोलूँ 1450 साल के अंदर जो हाँ मेरी बात सुनो ना, हाँ मेरी बात सुनो ना भाई, जो तुम जी हाँ बता रहा हूँ जी, खामोश करा खामोश करा जी साहब। मेरे पास किताब है हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला हो, अमीर माविया पर एक नज़र, इसके मुसन्निफ हैं हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब। उन्होंने अपनी किताब सफ़र नंबर 96 में लिखा है अमीर माविया को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे, या राफजी या सुन्नी। सुन्नी से मुराद जी साहब, देखो 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 बोल रहा है बीच में, बीच में बोल रहा है, देखो जी साहब आप समझ रहे जी 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 जी। हाँ उसूल बता रहा हूँ, उसूल बता रहा हूँ, उसूल बता रहा हूँ मैं, अमल बता रहे हैं मैं नहीं, दोनों 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 उसूल पूछ रहा हूँ मैं, दोनों सब में आ जाएगा, खामोश करा उसको अली खान को जी 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 जी। हाँ हाँ दोनों साथ में आ जाएगा, उसूल बता रहा हूँ क्यों काफिर हो। हाँ दोनों बता रहा, सुने ना भाई, सुने सुनेंगे नहीं तो क्या होगा भाई, मरने से। खामोश करा उसको, तो
तो लिखा है अमीर मुआविया को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे, या राफिजी या सुन्नी। तो जिसान साहब सुन्नी, आप लोग जो है आपकी किताब में सुन्नी लिखा है, आपको लिखा है, देवबंदी को सुन्नी नहीं कहा है ना, है ना। तो जो आप हाँ पढ़ रहा हूँ जो रवाफिज की सोबत, अरे आप उसूल बता रहा है सुनो, कि आप लोग अमीर को बुरा कहते खामोश कराओ उसको मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आता है, मैं दोनों बता रहा हूँ खामोश कराओ उसको मेरी जिम्मेदारी है, खामोश कराओ उसको अपनी बारे में बोलना, खामोश कराओ उसको। इसलिए मैं बोल रहा था कि सुनता नहीं है, ये सुनती ही नहीं है, मर जाएगा सुनते। दोनों बता रहा हूँ मेरी इबारत मुकम्मल हुई क्या, मैं बता रहा हूँ देखो सामीन, देखो सुनता नहीं है, जिसान साहब भी बेबस है खामोश लग रहा है, जिसान साहब खामोश लग रहा है, मेरी इबारत मुकम्मल नहीं हुई। हाँ बोले जी, कौन सा उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपने बारे में बोलिए। हाँ वही बात है ना, मेरा मैं इबारत मुकम्मल तो करना है। तो इसमें लिखा है अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को बुरा कहने वाले कौन मिलेंगे, या राफिजी या सुन्नी। तो इस किताब में सुन्नी जो कहा है, ये देवबंदी को नहीं कहा है बल्कि अपने लोगों को कहा है, यानी अली खान, जो रवाफिज के सोहबत में रहकर या उनकी कुतुब देखकर अपने ईमान की दौलत बर्बाद कर चुके हैं। इस उसूल के बुनियाद पर जो है आप लोगों को आपके अहमद यार खान नईम साहब बेईमान कह रहे हैं, और अली अमीर मुआविया की को बुरा कहने वाले कह रहे हैं, इस उसूल के बुनियाद पर, ये उसूल है। तो आप जो किताब है खामोश रहो, करो क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ अरे बोलने दो यार मुझे बोलने दो। ईशान साहब खामोश करो उसको, मेरी बारी है। जीशान साहब ने बोला मेरी बारी है। दो बात कही है, एक गलत साबित करना है, उसूल साबित करना, दोनों साबित। नहीं भागा। ये मेरे पास दुश्मन मेरे मुआविया की महासभा अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी वो लिखते हैं, देखो भागा लिखते हैं कि हजरत मेरे मुआविया किस्म की बुराई कर रहा है, जहन्नमी कुत्ता है। दोनों बता रहा हूँ मैं, दो चीज इसने पेश की है, तो दो चीज पेश करने के लिए वक्त चाहिए ना भाई, सवाल कर लोगे बोलने लोगे। जीशान साहब, जब आपने बोला है कि अली असगर की बारी है उसे बोलने दे, फिर अली खान बोलेगा, तो आपको वो क्यों परेशान कर रहा है, बोलेगा ना भाई, गलत बयानी क्या है मेरे यहाँ पे, मेरी बारी है जब सारी बारी आएगी अपनी बारी में बोल रहा हूँ, तेरा हुक्म ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरी बारी बताई है, बोलना क्यों नहीं दे रहा है, मेरी बारे में बोलो कहाँ दे रहा है तू, तेरा हकम ने तेरे लोगों ने मुझे बोलने की जिम्मेदारी दी है, तू मुझे बोल रहा है। देखो जिसान साहब खयानत न करे, जिसान साहब, देखो मैं हमारा वसूल पेश कर रहा हूँ।